अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। अच्छा तो बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ना है क्रोमोसोम के बारे में, और ये चैप्टर हमारा क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में ही है। आज के इस लेक्चर में हम क्रोमोसोम की तफसील देखेंगे और डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। बच्चों, आपको पता है कि क्रोमोसोम और डीएनए ही होते हैं जो कि हमारी बॉडी के हर खसूसियत को कंट्रोल करते हैं। दुनिया के अंदर इस वक्त 7 अरब के करीब इंसान हैं। वो तमाम इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ देयर क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, क्योंकि उनका डीएनए एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं, मामूली सा डिफरेंट है। और वही डिफरेंट डीएनए उनकी डिफरेंट वॉइसेस पैदा करता है, उनकी डिफरेंट शेप्स पैदा करता है, उनकी डिफरेंट हाइट्स पैदा करता है, उनकी डिफरेंट इंटेलिजेंस पैदा करता है। डीएनए कमाल की चीज़ है, क्रोमोसोम भी कमाल की चीज़ है, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। हम लोग देखते हैं भाई कि इंसान का जो क्रोमोसोम है, और जनरली ओवरऑल हम देखेंगे कि जो तमाम जानदारों के क्रोमोसोम हैं किस चीज़ के बने होते हैं। सो बच्चे, क्रोमोसोम जो है, हम इनकी कंपोजिशन देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। कंपोजिशन से मुराद होता है कि क्रोमोसोम किस चीज़ से मिलके बने हैं। सो क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, दो चीज़ों से मिलके बनते हैं क्रोमोसोम, डीएनए एंड प्रोटीन। लेकिन बेटा, एक तीसरी चीज़ भी होती है, वो है स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए, थोड़ा सा आरएनए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्यों बोला? मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि बच्चों डीएनए से ही क्रोमोसोम बनाया जाता है। लाइक आपको याद होगा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ये बच्चों एक डीएनए है, इस डीएनए से आरएनए का बनना, मैसेंजर आरएनए का बनना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, याद है ना। अब डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम में। आरएनए फिर कहाँ बनेगा? क्रोमोसोम के अंदर। जाहिर बात है आरएनए भी क्रोमोसोम के साथ ही होगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत आरएनए भी साथ होता है डीएनए के, डीएनए के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम के। एनी हाउ, प्रोटीन ज़्यादा होती है क्रोमोसोम में। कितने परसेंट प्रोटीन होती है? 60% प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? याद करें, एक गोल सी प्रोटीन जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं बच्चे, इस तरह की गोल प्रोटीन, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन, ये पाई जाती है। अच्छा तो बच्चों, डीएनए इन वन क्रोमोसोम, यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डीएनए के बारे में बताता हूँ, जो आपकी आंखें खोल देगी कि डीएनए कैसा होता है। बच्चों, जो हमारे सेल्स हैं, हर सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? 46। अगर आप उन 46 में से सिर्फ एक क्रोमोसोम निकाल लें, उस एक क्रोमोसोम के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? वो बच्चे न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो होंगे 140 मिलियन। 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन ओनली वन क्रोमोसोम। देन हाउ मैनी विल प्रेजेंट इन 46 क्रोमोसोम? मल्टीप्लाई 46 विद 140, भला आपके पास 46 क्रोमोसोम का आंसर आएगा, और ये बहुत ह्यूज नंबर होगा, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? डीएनए का यूनिट। डीएनए जिन यूनिट से मिलके बनता है, उन यूनिट्स को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। याद है बच्चों, डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज मीन मेड अप ऑफ मैनी मैनी न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड इन अ लीनियर चेन। तो बच्चों, डीएनए के बारे में और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। एक सेल के अंदर हमारे जो एक क्रोमोसोम है, 1 out of 46, उस क्रोमोसोम के पास कितनी इन्फॉर्मेशन होती है? इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर आप एक क्रोमोसोम के अंदर पाई जाने वाली इन्फॉर्मेशन पे बुक्स लिखें, आप 280 बुक्स लिख सकते हो, 280 किताबें सिर्फ एक क्रोमोसोम से। अगर हर किताब के 1000 pages हो और हर पेज के ऊपर 500 words हो, 280 बुक्स लिख सकते हैं। हर बुक के कितने पेज हो? 1000, हर पेज में कितने वर्ड्स हो? 500 words हो, अगर एक न्यूक्लियोटाइड जो वो एक वर्ड को कोरिस्पोंड करे, तो कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अभी इसको 40 से मल्टीप्लाई करें, कितनी बुक्स लिखी जा सकती है हमारे सिर्फ एक सेल से। और अगर हमारे सारे सेल्स के क्रोमोसोम की बुक्स लिखे, तो तब कितनी होगी? अच्छा तो बच्चों,
क्रोमोसोम बहुत छोटा होता है। पहली बात तो सेल बहुत छोटा होता है, हमें सेल दिखाई नहीं देता। फिर सेल के अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटा है, हमें न्यूक्लियस भी दिखाई नहीं दे सकता। फिर न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला क्रोमोसोम उससे भी कहीं छोटा होता है। फिर क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाला डीएनए उससे भी कहीं छोटा होता है। तो डीएनए यानी कि बहुत छोटा मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर आप एक क्रोमोसोम के सारे डीएनए को निकाल के एंड टू एंड जोड़ दे, फिर वो कितना बन जाता है? वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग बन जाता है बच्चों। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक क्रोमोसोम, ये जो एक क्रोमोसोम इसका सारा डीएनए लीनियर जोड़ दिया जाए कितना लंबा बन सकता है? 5 सेंटीमीटर। और सुने, अगर हमारे बॉडी के तमाम सेल्स का डीएनए एक लीनियर चेन में जोड़ दिया जाए, 100 ट्रिलियन किलोमीटर लंबा स्ट्रिंग बन सकता है। 100 ट्रिलियन किलोमीटर का मतलब है हमारी अर्थ से लेके जुपिटर तक हजारों बार जाना और वापस आ जाना, इतना लंबा। हमारी अर्थ के ऊपर उस डीएनए को कई बार लपेटा जा सकता है, इतना लंबा डीएनए हमारे बॉडी सेल्स में पाया जाता है। और इतने लंबे डीएनए को छोटे से सेल के, छोटे से न्यूक्लियस के, छोटे से क्रोमोसोम की थोड़ी सी जगह में फिट करना कुदरत का एक बेहतरीन मोजज़ा है। आम इंसान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक कुदरत का मोजज़ा है कि क्रोमोसोम इतनी थोड़ी सी जगह में इतना ज़्यादा क्रोमोसोम फिट है। तो बच्चों, फिर है न्यूक्लियोसोम। अब हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम कैसे मिलके बनता है। क्रोमोसोम मैंने बता दिया डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है। सो बच्चों देखो, मैंने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कैसा होता है। ये बच्चों आप क्रोमोसोम एक देख रहे हो, ये भी क्रोमोसोम है। एक्चुअली ये तब का क्रोमोसोम है जब सेल डिवाइड होने लगता है, हमें डिवाइडिंग स्टेज में क्रोमोसोम नज़र आते हैं। और उस वक्त बच्चों सिस्टर क्रोमेटिड पर मुश्तमिल होते हैं क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो चुके होते हैं। तो इस क्रोमोसोम का अब ये छोटा सा पीस, इतना पीस निकाल के ना इसको अगर देखें माइक्रोस्कोप में, आपको इसमें कॉइल नज़र आते हैं बच्चे। ये क्रोमोसोम इसके अंदर, इसके इस आर्म्स के अंदर यू कॉइलिंग, बड़े बड़े कॉइल, उनको आप बोलते हो सुपर कॉइल विद इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर बच्चों क्या होते हैं? सुपर कॉइल। अच्छा, सुपर कॉइल को देखते हैं। सुपर कॉइल का छोटा सा हिस्सा, यानी कि लाइक ये इतना हिस्सा सुपर कॉइल का ले ले, इसको फिर माइक्रोस्कोप में देखें। इसको जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, इसके अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। इनको क्या कहते हैं? सुपर कॉइल के अंदर भी कॉइल, सुपर कॉइल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे यू कॉइल्स होते हैं, ये वाले कॉइल। इनको क्या बोलते हैं? स्मॉलर कॉइल, कॉइल विद इन कॉइल, बड़े कॉइल के अंदर छोटे कॉइल। अब ये सुपर कॉइल के अंदर ये कॉइल्स देखें, ठीक है, कॉइलिंग विद इन सुपर कॉइल, इनको आप बोलेंगे क्रोमैटिन। अगर आप बच्चों दो चीज़ों की इकट्ठी बात करें, यानी डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, प्लस हिस्टोन प्रोटीन, दिस इज नोन एज न्यूक्लियो क्रोमैटिन। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज नोन एज क्रोमैटिन। अब ये अंदर मौजूद है जी क्रोमैटिन। अच्छा, इसको भी ये देखें, सिर्फ एक को निकाल के देखें, ये जो जस्ट वन है ना, इसको माइक्रोस्कोप में बड़ा करके देखते हैं भाई कि ये क्या नज़र आता है। तो ये बच्चों आपको ऐसा नज़र आता है। अभी और सुने, इसका इतना सा पीस माइक्रोस्कोप में देखें, ये जो सुपर कॉइल के अंदर छोटे कॉइल है, फिर एक छोटा कॉइल, यानी एक डीएनए फाइबर, एक क्रोमैटिन का फाइबर आप लेके देख रहे हो, वन फाइबर। उस फाइबर का अब ये वाला पोर्शन देखो, आपको नज़र आएंगे बहुत सारे गोल गोल हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल, और उनके ऊपर लिपटा हुआ डीएनए, उनके ऊपर लिपटा हुआ डीएनए। तो बच्चों देखो, हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल, उनके ऊपर लिपटा हुआ डीएनए। अगर डीएनए को आप खोलो तो फिर डीएनए बन जाता है यू, ये है फाइनली डीएनए। अब इतनी ज़्यादा जब कॉइलिंग होगी तो जाहरी बात है फिर डीएनए कितना लंबा होगा हमारी पूरी बॉडी के सेल्स का। अच्छा, तो बच्चों बीच में मैंने आपको ये बताया है
कि जो असल डीएनए है हमारे क्रोमोसोम में पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा फोल्डिंग करता है, बहुत टाइटली फोल्ड होता है। ये सारी उसकी फोल्डिंग देख रहे हो, किसके ऊपर चढ़ा होता है, हिस्टोन प्रोटीन, गोल प्रोटीन है उसका नाम है हिस्टोन, उसके ऊपर डीएनए रैप करता है और जो स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज न्यूक्लियोसोम, दैट इज न्यूक्लियोसोम। तो मैंने लिखा न्यूक्लियोसोम कम्बिनेशन ऑफ डीएनए ऑन 8 हिस्टोन प्रोटीन। ये भी सुन लीजिए बच्चे, जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है ना वो कितने होते हैं टोटल 8, एक जगह पे 8 होते हैं। अब ये 2 बन गए, ये 3 और ये बच्चे 4, ठीक है। अब 4 इनके बैक साइड पे मौजूद है, यू 8 का ना एक क्यूब सा बन गया, ये 4 बैक साइड पे है, कितने टोटल बन गए 8। अब इन 8 के ऊपर जो हमारा डीएनए है वो यू फोल्डिंग बनाता है ये, ठीक है, घूम के पीछे से आएगा और यू। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम डीएनए प्लस 8 हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस 8 हिस्टोन प्रोटीन मेक 1 न्यूक्लियोसोम। सो यू बेशुमार न्यूक्लियोसोम होते हैं इसके अंदर, छोटे फाइबर के अंदर। तो बच्चे न्यूक्लियोसोम जो है ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए जुड़ता कैसे है? अगर तो ये हिस्टोन प्रोटीन वैसे ही हो फिर तो क्रोमोसोम उधर जाएगा, डीएनए उतर जाएगा सारा, लेकिन डीएनए उतरता नहीं है। क्यों नहीं उतरता? उसका आंसर हम देखते हैं। उसकी वजह ये है, हिस्टोन प्रोटीन हैव पॉजिटिव चार्ज, हिस्टोन प्रोटीन जो है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों बच्चे? क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बनती है। अब अमाइनो एसिड की 20 से ज़्यादा टाइप्स होती है जो प्रोटीन बनाते हैं, यहाँ पे हम 2 अमाइनो एसिड की बात करते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाते हैं। एक अमाइनो एसिड का नाम है आर्जिनिन, एक का नाम है लाइसिन। इन दोनों अमाइनो एसिड पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट्स वाई हिस्टोन प्रोटीन है ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब डीएनए का जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज, प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज। बस जी मौजा लग गई हैं, हूँ डीएनए पूरी कुवत के नाल उसके चढ़ जाएगा, उसके साथ जो है वो रैप करेगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। अच्छा तो बच्चों ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि क्रोमैटिन जो है वो इस फॉर्म को कहते हैं, इस फॉर्म को आप क्रोमैटिन भी कहते हैं। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जो न्यूक्लियोसोम बनाते हैं ना, इस पूरे कम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम को आप बोलते हो क्रोमैटिन। दो तरीके का क्रोमैटिन होता है, दैट इज यू क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन में फ़र्क क्या है? यू का मतलब बच्चों ट्रू, असली। अब यू क्रोमैटिन कौन सा क्रोमैटिन होगा? लेस कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ डीएनए, या लेस कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम लिख ले यहाँ पे डीएनए की बजाय, डी क्रोमोसोम का वो पोर्शन जो कि लेस कंडेंस्ड है, जो इतना ज़्यादा कंडेंस यानी कि जमा हुआ नहीं है, कम जमा हुआ है। सिर्फ तब वो सुखड़ता है जब सेल ने रेप्लिकेट करना होता है, सेल डिवीजन के वक्त। तो ये जो यू क्रोमैटिन है ये लेस कंडेंस है, ओनली कंडेंस होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और इसके जीन्स, इसके अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स वो हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि फीचर्स खसूसियात पैदा करते हैं, ट्रेट्स पैदा करते हैं। दूसरी तरफ बच्चों हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो क्रोमैटिन जो है ये क्रोमोसोम को या बोलते हो, ये है हाईली कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, हाईली कंडेंस्ड जो बिल्कुल जमा हुआ पोर्शन है। और इसके जीन्स जो है वो नेवर एक्सप्रेस, इसके जीन जो है यानी कि जब सेल डिवीजन बेशक ना भी हो रही हो ना, ये तब भी जमा रहता है, ये नहीं ओपन होता, ये सुकड़ा रहता है, ये अटका रहता है, ये एक्सप्रेस नहीं होता। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर, इसके अंदर हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात की, हमने क्रोमोसोम के अंदर कॉइलिंग को समझा, हमने क्रोमैटिन को समझा, हमने हेट्रो और यूक्रोमैटिन में फ़र्क किया। तो लेक्चर कंप्लीट हुआ, अल्लाह हाफिज़।